ये बहुत अच्छे हैं और रीजनेबल हैं लेंस फ्रेश लुक के। फेस को क्लीन अच्छे से करना है क्योंकि मॉडल दूर से आए हैं तो फेस पे डस्ट वगैरह बहुत आ गई। मैं वो पूछ रही कि लेंस आपके पास से मिल जाते हैं? हाँ जी मिल जाते हैं, बट मैं सेल के लिए नहीं रखती, हम रखते हैं बट एक दो पेयर रखते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद मैं थोड़े टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, अंजलि मैम, मैम का सैलून सुनाम में है, पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, ITI चौक में है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। मुझे रिचा दवे कॉस्मेटिक का प्राइमर है, सॉरी मॉइस्चराइजर है, वाटर बेस्ड प्राइमर। थैंक यू सुनीता मैम फॉर अ लवली कॉम्प्लीमेंट। वो बोल रहे हैं कि आपको देखने के लिए आंखें तरस दी उनकी। अब 2-3 घंटे हमें अच्छे से देखना। जो प्राइमर हम मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं ना, पहले उसको फेस पे अच्छे से लगाना होता है। ये क्या करता है, हमारी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। अभी जो मैंने यूज किया था जिससे फेस को क्लीन किया वो टोनर ही था एम्ब्रोलाइज का। मैंने टोनर के साथ ही फेस को क्लीन किया है। आप बिफोर पिक भी आप ले सकते हो। हाँ जी वाटर वेस्ट, हाँ जी यस, ये वाटर वेस्ट था रिचा मैम का मॉइस्चराइजर है जो RD का। देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैं यूज कर रही हूँ मैक का है जी फिक्सर, मेकअप फिक्सर भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रेट से ये भी स्किन को सेफ रखता है और प्रिपेयर करता है मेकअप में शाइनिंग लाने के लिए। और
बहुत अच्छी क्वालिटी में आपने लगाना है, ये नहीं कि हम थोड़ा सा लगा लें उसके बाद आप सोचोगे कि मेकअप वैसा नहीं हुआ। मैम पीछे तो बस आवाज़ वॉल्यूम कम कर। और मैं आज सबसे पहले बेस बनाऊंगी फेस पे फाउंडेशन से। अभी स्लो कर दी है डियर, मैम दोबारा तो जेड़े अपने कंडीशंस ने गया लाइट दियो दोबारा एक बार दस दो कि किदा शेयर करना। अच्छा जो भी आफ्टर आपने क्या करना है, मेरी जो आईडी है परम टिंसा मेकओवर के नाम से आपने अपने तीन फ्रेंड को टैग करके डालनी है अपनी स्टोरी पे और फिर मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी। देन उसके बाद आपने फॉलो जो है आपने लाइक बढ़ाने हैं। लाइक कैसे होता है वो तो आपको पता ही है। और जो भी आपके फॉलोअर जिसको भी आप टैग करोगे प्लीज़ वो ओरिजिनल हो, फेक ना हो। ये हम देखेंगे किसका फेक है और किसका ओरिजिनल है। उसके बाद हम संडे को अनाउंस करेंगे कौन कौन विनर है। विनर में बहुत अच्छे हमारे जो दे रहे हैं प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी गुड क्वालिटी के हैं, जेनी के नॉर्मल हैं, ब्रांड हैं वो भी जो देंगे हम। गॉड ब्लेस यू दी स्वीट दी, थैंक यू सो मच। मेकअप फिक्सर मैम मैक का? हाँ जी मैंने मैक का यूज़ किया है। आप ना कॉपी पेन लेके साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए क्योंकि जो भी मैं आज प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो आपके पास होंगे भी और जो नहीं भी होंगे तो आप परचेज भी कर लोगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी। श्वेता जी हमारे लेंस फ्रेश लुक के थे। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बैका का है ये स्किन लव। अभी ड्राई हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना हमने फेस को, नॉर्मल ड्राई किया है। देन उसके बाद पैका का जो लव ये सीरम है ग्लो सीरम, टैग कैसे करते हैं? टैग आपके पास कोई होगा फ्रेंड्स, अभी लाइव चल रहा है ना इसमें लास्ट में जो आता है ना एरो का निशान आ रहा है ना आपने उस पे जाना है, उसके साथ ही आपने टैग करना है। एक प्लस का आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क का आ रहा है और साथ में जो आ रहा है ना एरो वो वाला। अभी मैंने बैका का ग्लो सीरम यूज किया है फेस पे। बैका का ग्लो सीरम नोट कर लो आप सब, बैका का ग्लो सीरम यूज किया है अभी मैम ने। जो मेरा मेकअप है वो उसका नाम ही ग्लैम अप मेकअप है, तो आज मैं जो सीरम यूज कर रही हूँ ग्लो सीरम है ये। आपने साथ ही साथ नेक को भी कवर करना है, ये नहीं कि आप नेक को छोड़ दो ईयर को छोड़ दो तो बाद में क्या होता है पिक्स में जो हमारी स्किन नेक की स्किन है वो अलग आती है फेस की अलग आएगी। मैम रिफ्लेक्शन पॉइंट कोई आईडी है, पूछ रहे हैं कि ये ग्लो अप सीरम क्यों यूज किया है आपने? जो मेरा मेकअप है ना वो उसका नाम है ग्लैम अप, तो मैंने शाइनिंग के लिए फाउंडेशन में यू भी यूज करूंगी उसमें शाइनिंग आ जाए और उसमें ग्लोसी लुक भी आएगी, शिमरिंग जैसे कह देते हैं ना, हमें शाइनिंग चाहिए कोई ऐसा चाहिए जैसे वो होता है शिमरिंग मेकअप होता है ग्लैम ग्लो मेकअप होता है, उसमें कुछ नहीं होता, जस्ट प्रोडक्ट की थोड़ा सा फर्क पड़ता है आपने कैसे लगाना है। आप कोई भी लगा सकते हो, जैसे टू फेस्ट का भी आता है वो भी बहुत अच्छा है, आइकॉनिक का भी बहुत अच्छा है आप यूज़ कर सकते हो, फेंटी ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है। मैम अभी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है? नहीं मैंने प्राइमर नहीं यूज़ करूँगी, मैं प्राइमर की जगह पे जो यूज़ किया है पहले तो रिचा दवे का मॉइस्चराइजर जो वाटर बेस्ड है वो यूज़ किया है, उसके बाद मैं यूज़ किया है। प्राइमर की मुझे नीड नहीं क्योंकि मैंने पहले ही फिक्सर यूज़ कर लिया है एज ए प्राइमर।
ये एज ए प्राइमर भी वर्क करता है और मेकअप को स्टे रखता है, सेटल रखता है, ग्रे नहीं होने देता। उसके बाद ये मैंने वैका का यूज किया है, ये मिल जाता है इजीली। आपके पास अगर नहीं है, मिल भी नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, कोई भी फेस ऑयल लेके उसमें आपके पास लूज हाइलाइटर होते हैं ना, जिसके छोटे छोटे ग्रैनुलर वाले पिगमेंट होते हैं ना, वो हमने मिक्स करना है ऑयल में, तो आप एज ए लूमिनेट उसको यूज कर सकते हो। ड्राई को दिस वन एंड दिस वन मिक्सिंग आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, पर जो ऑयल, कोई भी ऑयल, फरसाली ऑयल, इंडालगी ऑयल, कुछ भी ले रहे हो तो वो अच्छी गुड क्वालिटी के होने चाहिए। वेदी जी, मैम ने मैक का फिक्सर यूज किया था, मैक का फिक्सर अभी मैं यो यूज कर रही हूँ, वो है कंसीलर डर्मा क्राइलॉन का। हम दीपिका जी पूछ रहे हैं कि समर में स्वेटिंग कंट्रोल करेगा। यस करेगा, क्यों, ये बहुत अच्छा है, आपकी वैनिटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी विंटर है, समर है, तो मैं यही यूज करती हूँ और सेटल रहता है मेकअप, बिल्कुल भी ग्रे नहीं होने देता। ये एक नहीं, बहुत ज्यादा वर्क करता है फेस पे, आपका एज ए प्राइमर यूज होगा, आपके फेस को, बेस को फिक्स रखेगा, सेटल मेकअप होगा। मैम लैक्मे का सीरम भी लगा सकते हैं। लैक्मे का सीरम आप यूज कर सकते हो। हमारी मॉडल की स्किन नॉर्मल है गाइस। मीना मैम पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में क्या लगाया। स्टार्टिंग में डियर मैंने रिचा दवे कॉस्मेटिक का मॉइस्चराइजर लगाया, देन उसके बाद मैंने फिक्सर यूज किया, उसके बाद मैंने बैका का हाइलाइटर यूज किया, ग्लो हाइलाइटर, डेवी लुक। यस डेवी लुक है ये, आज की नाम क्या है इसका, किसका, बिम्मी राजन जी किसका नाम पूछ रहे हो आप। डर्मा क्राइलॉन फाउंडेशन, डर्मा का ये जो नंबर ले रही हूँ मैं, D30 ले रही हूँ, ये तो आपकी वैनिटी में होगा ही होगा, अगर समर है तो D30, अगर विंटर है तो 303 क्राइलॉन में जो भी आता है। शैला जी, मैम ने मेकअप फिक्सर मैक का यूज किया था, मैक का फिक्सर। इनके नॉर्मल अंडराई सर्कल हैं तो मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर, और जो मेरा ब्रश है ये यूरो पैरिस का है 139। हमें फोरहेड पे भी हल्का कंसीलर लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डार्क होता है कंपैरिजन चीक्स के। मीना जी कह रहे हैं कि मैम से बात करनी है, मैम बात करेंगे। हाँ जी, आफ्टर मेकअप हम बात करेंगे, सबसे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर, और ये मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ ये अतुल चौहान सर का है, बहुत अच्छा है, और मैं बिल्कुल ड्राई यूज कर रही हूँ। मैम ने कंसीलर डर्मा का यूज किया है, आप एलेगर का भी यूज कर सकते हो, मैक के भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैंने डर्मा यूज किया है, क्योंकि जो डर्मा के होते हैं प्रोडक्ट तो वो वाटरप्रूफ है। ब्यूटी ब्लेंडर कौन सा लिया मैम, अतुल चौहान सर का है ये ब्यूटी ब्लेंडर, मैम अभी आपने जो शो यूज किया, वीडियो ब्लर आ रही है, किस किस को वीडियो ब्लर आ रही है, मेरी और तो बिल्कुल क्लियर चल रही है। देन उसके बाद मैं यूज करूंगी अर्बन डीके का
फिक्स प्लस। मैं वीडियो ब्लर में इंस्टा पे वीडियो ब्लर आ रही है, किस किस को ब्लर आ रही है डियर? मैम वीडियो ब्लर आ रही है सोनिया रंजीत जी, वीडियो सेव नहीं। बताइए मैम क्या बताइए माहिया जी? माहिया जी पूछ रहे हैं कि सीरम और प्राइमर में से एक ही यूज कर सकते हैं? सीरम और प्राइमर में कोई भी नहीं कर सकते हो, आपने हैवी बेस बनाना है तो कर सकते हो आप यूज। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने उसका अल्टरनेटर बताया था डियर, आपके पास अगर प्राइमर नहीं है तो आप फिक्सर यूज कर सकते हो, बट होना गुड क्वालिटी का चाहिए, जैसे जी मैक का है बहुत अच्छा है। और जो अभी यूज कर रही हूँ ये है अर्बन डीके का ऑल नेटर स्प्रे। यहाँ पे वीडियो बिल्कुल क्लियर है गाइस, शायद आपके कहीं प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, उनके नेटवर्क अभी वीडियो क्लियर आ रही है। क्लियर है डियर तभी मेरा फायदा है ना सिखाने का, अगर किसी को नहीं आ रही मुझे आ रही है। अगर फॉलो टैग एट फ्रेंड ओरिजिनल आईडी एंड लाइक डन। हाँ जी यस, अगर किसी को इंस्टा पे क्लियर नहीं आता तो मैम की एफबी आईडी पे आ जाओ आप, मैम की एफबी आईडी परम ढिंडसा के नाम से ही है। जो अभी लाइव चल रहा है वो एम्बियंस सलोन नाम के नाम से चल रही है फेसबुक लाइव। मैम अर्बन डीके का क्या लगाया आपने? आपको मुझे आपको आ रही है ब्लर? अभी मैंने फिक्सर प्लस यूज किया, सॉरी फिक्सर यूज किया है अर्बन डीके का ऑल नेटर स्प्रे। मैम ये आपने किसके लिए यूज किया है? जैसे जैसे मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज करूंगी तो उसके साथ ही साथ ये सेटल होता जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि जब भी हम कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं तो वो ज्यादा स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं डिहाइड्रेट, तो ये हाइड्रेट नहीं होने देगा और हमने जो लुक है वो ग्लैम लुक है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। अभी ये यूज करूंगी मैं D4 डर्मा का, ये नंबर मैं यूज कर रही हूँ D4 डर्मा। और सेम ब्रश के साथ यूज कर रही हूँ जो डर्मा का है, सॉरी यूरो पैरिस है 139। यस वर्षा जी ये वीडियो सेव रहेगी लेकिन साल वन वीक के लिए, वन वीक आफ्टर वन वीक। किसी को भी समझ नहीं आ रहा प्लीज कंपोज मैम ये क्या यूज कर रहे हो? जी मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, बेस यूज कर रही हूँ D4 डर्मा का क्राइलॉन का। मैम अभी डर्मा क्राइलॉन का D4 बेस यूज कर रहे हैं। डर्मा का 139 विंटर में यूज कर सकते हैं? सॉरी सर ये 139 ब्रश नंबर है, ये फाउंडेशन का नाम नहीं है, जो फाउंडेशन बेस का नाम है वो D4 है। सर इनकी बस क्वांटिटी का फर्क पड़ जाता है, ये थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। और जो मेरे पास है ना सारे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है FS 28 जो क्राइलॉन का है, ये भी मेरे पास इतना बड़ा है, तो आपके पास जितनी भी आपकी पॉकेट मनी है आप उसके हिसाब से लो। और आपके कस्टमर कितने हैं, कितनी आपकी यूजिंग है उसके हिसाब से लो, ये नहीं कि मेरे पास बड़ा है तो आप भी बड़ा ले आओगे।
आपने अभी डर्मा का D4 यूज किया है ट्विंकल जी। मैम एक और फिर बताओ। बोले मीना जी क्या पूछना है आपको? हाँ जी मैं अभी ब्लेंडर करूंगी ना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, वो तो मैंने सारे फेस पे फुल कवरेज दी है उसकी, इसीलिए मैंने ब्रश यूज किया था। मूलचंद जी अभी मैम ने बेस लगाया है, कंसीलर तो मैम ने पहले लगा दिया था, उसके बाद हमारी जूम क्लास होगी ऑनलाइन, तो जिस किसी ने भी क्लास लेनी होगी हम लास्ट में अनाउंस करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि वाटर बेस मेकअप क्या होता है, सिलिकॉन मेकअप क्या होता है, तो ये सब हम उसमें टेक्निक ब्रश कौन कौन से होने चाहिए ये सब टेक्निक हम उसमें बताएंगे जून में बहुत ही जल्द। थैंक यू, यू आर सो क्यूट डियर मैम, ब्राइडल रेडी हो जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी मीना मैम मैंने कुछ नहीं यूज़ किया, मैंने ओनली D4 यूज़ किया है डर्मा क्रायलॉन का प्रोडक्ट है ये, उसको यूज़ किया है। मीना जी मैं बहुत जल्द बताएंगे क्योंकि उसमें डीप नॉलेज होती है, अभी देखो सबकी इंक्वायरीज आ रही है तो उतना टाइमिंग ही नहीं होती सबका आंसर। आई होप के मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी आंसर दूँ आपको सही दूँ, सही गाइड करूँ, आपके मेकअप में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए तो अभी मैंने यूज़ किया था सॉरी ये D4 डर्मा का मीना मैम। अभी मैंने आपको लग रहा है कहीं पे बेस को ज़्यादा लगाया कम लगाया, बिल्कुल नेचुरल लुक आ रही है ना। पैलेट दो अभी जो मैं फाउंडेशन लगाऊंगी वो है सोफेरेल का, सॉरी फैशन फीवर का है ये 6 नंबर फैशन फीवर। मैं फैशन फीवर का फाउंडेशन यूज कर रहे हैं 6 नंबर, जो रनिंग शेड है 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ये सारे सोफेरेल के रनिंग शेड है, आप एक ले लेना। प्लीज अभी मैं आफ्टर में दिखाऊंगी फेस आपको, पहले मैंने स्टार्टिंग में फेस दिखाया है पूरे 15 मिनट दिया, अभी जो मैं ले रही हूँ देखो फाउंडेशन लिया मैंने। हाँ जी जोका जी फैशन फीवर 6 नंबर। अभी इसमें 1 ड्रॉप ड्यूरल एनर मिक्स करूंगी, 1 और 2 ड्रॉप्स ड्यूरा लाइनर। मैम मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? मेकअप स्टूडियो के बहुत अच्छे होते हैं, अभी मैं यूज कर रही हूँ 4 एवर का 4 नंबर इसमें मिक्स कर रही हूँ। कभी भी आप फाउंडेशन यूज करोगे तो अगर आप 2 शेड मिक्स करके यूज करोगे तो आपके फाउंडेशन में लुक बहुत अच्छी आएगी। अभी जो मैं ब्रश यूज करूंगी ब्रश ये मैम ने 4 एवर का मिक्स किया है। मैम मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट्स कहाँ से होते हैं? आप कहाँ से हो आपके नियर बाय मैं बता दूंगी, फैशन फीवर के प्रोडक्ट्स भी पूछ रहे हैं कि कहाँ से मिलते हैं। आपको मैं बाद में ना सबको लाइव में ही मेंशन कर दूंगी, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप नियर बाय पंजाब से हो तो आप लुधियाना से मनी राम बलवंत राय वहाँ से परचेज कर सकते हो। गाइज मैम ने ड्यूरा लाइनर मिक्स किया था,
आपने ड्यूनल आईलाइनर क्यों मिक्स किया था वो पूछ रहे हैं। इसको जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ उसको स्टे रखने के लिए, अभी विंटर है तो फैलता नहीं और हमारा जो मेकअप होगा वो वाटरप्रूफ हो जाएगा। ये टेक्निक होती है डियर, आप कुछ भी कर लो। जैसे आपकी वैनिटी में एक तो इनग्लॉट का 77 नंबर काजल होता है जो, वो होना चाहिए, और एक इनग्लॉट का ड्यूरालाइनर। ये सिंगल ड्यूरालाइनर बहुत यूज होता है। मैम मूलचंद जी पूछ रहे हैं कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। यस, हमें लगाना पड़ता है, बट हम इतनी ज़्यादा कवरेज देंगे तो वो केकी हो जाएगा मेकअप। अभी अंदर हमें जब हम स्टूडियो में रेडी करते हैं तो वहाँ लाइटिंग वगैरह होती है तो कम दिखता है, जब बाहर जाएगी ब्राइडल कोई भी पार्टी मेकअप आपका क्लाइंट तो बाहर बहुत ज़्यादा मेकअप लगता है और केकी लुक आती है और उसमें क्रैक भी पड़ते हैं। जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतनी ही अच्छी लुक आएगी। हाँ जी मन्नत मैम, आप बाद में देख सकते हैं क्योंकि वीडियो आफ्टर 1 वीक सेव रहेगी। मैम ने फाउंडेशन में ड्यूरा लाइनर मिक्स किया था गाइस, उसके बाद मैम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है बिल्कुल ड्राई है और ये अतुल चौहान सर का ब्यूटी ब्लेंडर है। ड्यूरा लाइनर के 1 और 2 ड्रॉप्स मिक्स करने हैं। जब वो मैम ऑनलाइन क्लासेस आगे लगाएंगे तो उस टाइम पे आपको सब बता देंगे फीस वगैरह जो भी होगी। थैंक यू कमलदीप जी, थैंक यू। अभी मैं ये यूज कर रही हूँ वो हाइलाइटर है टाटे का। स्टूल जी पूछ रहे हैं कि फैशन फीवर के फाउंडेशन की कॉस्ट क्या है। जी इसका नहीं मुझे अभी याद, ये टार्टे का है लाइट मीडियम शेड। मैम अभी हाइलाइटर टार्टे का यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब भी हमने हाइलाइटर यूज करना है वो हम स्किन की टोन के अकॉर्डिंग करेंगे, ये नहीं कि हाइलाइट है तो बिल्कुल लाइट शेड यूज करोगे। आपकी मॉडल बिना मेकअप के भी ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। मॉडल ने भी थैंक यू बोला है आपको, वो खुश हुई। मैम इसकी पिक सेंड करोगे? किसकी पिक सेंड करोगे? आप इनकी आईडी पे चले जाना, रुमा तिवारी स्लैश रुमा स्लैश तिवारी। हाइलाइटर मैम ने टाटे का यूज किया है गाइस, लाइट मीडियम शेड, और ये जो वीडियो रुक गई है मैम अभी बताओ गाइस अभी चल रही है। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वही है ये ब्यूटी ब्लेंडर, अतुल चौहान सर का है ये ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत अच्छे ब्लेंडर हैं ये। ब्यूटी लैशेस के भी बहुत अच्छे हैं बट मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है। हाँ जी टाटे का लाइट मीडियम शेड। मैं
ब्यूटी ब्लेंडर। बिल्कुल आपने सॉफ्ट टच में ब्लेंडिंग करनी है, ये नहीं कि मैंने जोर जोर से लगाया पता नहीं स्किन के अंदर चला जाएगा, नहीं हमने बिल्कुल सेटल मेकअप करना है तो सेटल ही करना है फाउंडेशन। थैंक यू गाइस, चल कंटिन्यू रखो। थैंक यू नवजोत, ब्यूटी ब्लेंडर वेट है या ड्राई है? ड्राई है, मैं आज यूज कर रही हूँ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर। अतुल जहान मेकओवर है जो उनका है ये ब्यूटी ब्लेंडर। थैंक यू सोनिया जी, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बिना मेकअप के तो अच्छी है लेकिन जब मैं मेकअप करेंगे तो लुक देखना। थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू। गाइज अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें फीडबैक दें जल्दी से, रेड रोजेस थम्स अप जल्दी से भेज दें। मैम ड्राई, मैंने हाईलाइट भी किया है। क्यों यूज़ कर रहे हो ड्राई ब्लेंडर, क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि ये सेटल करता है, जो एक्स्ट्रा होगा ये इसमें आ जाएगा। अगर मैं बैठ करके यूज़ करूँगी तो वो साथ ही साथ ज़्यादा आ जाता है ब्लेंडर का, वो अपनी अपनी सबकी टेक्निक होती है। कोई ज़्यादा यूज़ करता है बैठ करके, कोई ड्राई करके, ये टेक्निक होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपका डज नॉट मैटर फाउंडेशन प्रोडक्ट कौन से हैं, मैटर करता है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए। थैंक यू गाइस, आप सब हमें इतनी प्यारी फीडबैक दे रहे हो, थैंक यू। मॉडल सो ब्यूटीफुल, थैंक यू जी, थैंक यू। अभी जो मैं कंटूर कर रही हूँ वो है डर्मा का ही है, ये DJ2। मैम अभी डर्मा का DJ2 यूज कर रहे हैं, ये क्रीमी कंटूर है। जब भी आपने कोई कभी भी कंटूर लगाना है तो आपने पहले अपनी पैलेट पे निकालना है, या हाथ पे निकाल के फिर यूज करोगे। डायरेक्ट यूज करोगे तो पैच पड़ जाता है। थैंक यू सिमी जी, उन्होंने कहा कि मैम को तो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ब्लेंडर दे दो, ये तो ऑसम मेकओवर कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो तो मैं लैब से नहीं हटूंगी, डेली आ जाया करूंगी। सेहत जूबी जी हैं, सिस जल्दी जल्दी मेकअप किया करो। जल्दी जल्दी जो हमारे स्टूडेंट है वो कहते हैं मैम क्या यूज़ किया बैग, मुझे फिर जाना पड़ता है बताने के लिए। मैम मूलचंद जी मेकअप स्टूडियो के पूछ रहे हैं कि 3 मेन शेड बता दो। आपने क्या लिया, लाइट मीडियम होता है, लाइट ओरिएंटल, ओरिएंटल और एक होता है वेज शेड, आप 3 शेड ले सकते हो। थैंक यू नवजोत जी, थैंक यू। नवजोत जी कह रहे हैं कि मैम वन ऑफ द बेस्ट हैं, इन्होंने आपसे एक दिन की क्लास ली थी और इन्होंने कंपटीशन विन किया था। थैंक यू सो मच नवजोत, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही अच्छे अच्छे सारे वर्क करो, अच्छे अच्छे प्राइज जीतो। अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, सब हौच पौच हो गया, बट बी सेफ, आप जितना सेफ रहोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम तो इन्फेक्शन होते ही होते हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली भी हो जाती है, तो हमें अपनी फैमिली को देखना है, सोचना है उनके बारे में, देन उसके बाद ब्लेंडिंग करनी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सहजुबी जी। अभी मैम ने हाइलाइटर नहीं, मैम ने कंटूरिंग की है, हाइलाइटर मैम ने यूज किया है टाटे का। ज्योति जी मैम ने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि फाउंडेशन मैटर नहीं करता, सभी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, हमारी टेक्निक पे ही सब कुछ होता है। वो पूछे हैं कि फाउंडेशन कौन सा बेस्ट है। ज्योति जी आप अपनी पॉकेट देखो डियर, फाउंडेशन सारे बहुत अच्छे होते हैं,
कोई भी फाउंडेशन ऐसा नहीं है, बट हमें टेक्निक आनी चाहिए। अगर हम घर में भी कुछ भी करते हैं, हमें टेक्निक नहीं पता, खाना बनाते हैं हमें टेक्निक नहीं पता हमें कैसे बनाना है, तो वो भी हमें अच्छी नहीं बनेगी। तो सारा थैंक यू मीना जी, जरूर खत्म होगा तो मैंने आपसे क्लास अटेंड करनी है। थैंक यू मीना मैम, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। अभी मैं यूज कर रही हूँ कंटूर पाउडर, जो कंटूर पाउडर यूज कर रही हूँ वो है फेंटी ब्यूटी का। जहां जहां मैंने क्रीमी कंटूर यूज किया है वहां मैंने पाउडर कंटूर करूंगी। ये है बाजान गायल फेंटी ब्यूटी, मैम ने बाजान गायल फेंटी ब्यूटी का यूज किया है पाउडर कंटूर। मैम ज्योति जी कह रहे हैं कि फिर भी एक बता दो आपने इकोनॉमिक रेंज में लेना है, जो हाई में लेना है, ये भी आप मेंशन कर दीजिए। मैम आप अपनी रेंज बता दो एक बार। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू। अभी जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ वो कलर बार का है, मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है ये ब्रश। कुछ लोग होते हैं जिनकी वीडियो में कुछ समझ नहीं आता, बहुत ही फास्ट वीडियो होती है, बट मैं आप इतनी अच्छी तरीके समझा रहे हो, थैंक यू सो मच जी। गाइस मैम का ऑनलाइन मेकअप करने का यही एक रीज़न होता है कि आप घर पे बैठ के भी कुछ सीखे अच्छे से टेक्निक से, और मैम ऐसे फास्ट फास्ट नहीं करते मैम, इसीलिए अच्छे से आप सबको और एक रिप्लाई दे रहे हैं कि आपको अगर मैं फास्ट कर दूंगी वो तो मैं सैलून में भी बहुत फास्ट कर देती हूँ। मैंने तो आपको सिखाना है कैसे आप सीख पाओगे, आप बिगनर हो आर्टिस्ट हो कोई भी है एनीवे, आप अच्छे से सीख जाओ, हर एक की अलग अलग टेक्निक होती है। मैम मीना जी कह रहे हैं कि उनके पास फोर एवर 52 की फाउंडेशन है, लेकिन जब भी वो मेकअप करती है तो वो ब्लैक हो जाता है। आपको जो मेरी आपने लाइव देखा होगा जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग में, आप वो टेक्निक यूज करो, मेरी 100% गारंटी है कि आपका मेकअप कभी ग्रे नहीं होगा। हम क्या करते हैं ना, जैसे मैंने देखा है काफी फेस को क्लीन किया देन प्राइमर यूज किया, प्राइमर के बाद क्या करते हैं हमने डायरेक्ट कंसील कर देते हैं, हम टाइम नहीं देते बिल्कुल भी स्किन को, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है बैलेंस होने में। जब तक हमारा स्किन का प्रिपरेशन बैलेंस नहीं होगा हम मेकअप नहीं अच्छे से कर पाएंगे। पाउडर कंटूर कौन सा है? वीडियो नहीं चल रही, चल रही है ये पाउडर कंटूर है जी, फेंटी ब्यूटी का है बाजान गायल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। मीना जी हमारी तरफ से तो वीडियो ओके है, शायद आपकी तरफ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप बहुत क्यूट हो डियर मैम जी, थैंक यू कंचन जी। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, थैंक यू जोगा जी, थैंक यू मैम एंड स्टाफ, बहुत आर सो पोलाइट मैम, आई लाइक यूर वर्क दैट, थैंक यू सो वंडरफुल एंड नेचुरल, थैंक यू सिद्धू जी, थैंक यू। हाँ जी अंकिता जी, सॉरी अगर आपका कोई रिप्लाई रह गया, कौन से फाउंडेशन बेस्ट है फेयर स्किन के लिए? फाउंडेशन आप मैक का लेना चाहते हो तो NC25, NC20, अगर आप सोफरेल का यूज कर रहे हो, सोफरेल का नंबर जो मैं यूज करती हूँ वो है 04 नंबर, आप 06 ले सकते हो क्योंकि नॉर्मल स्किन के लिए मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू नवजोत जी, तुहाडे मेकअप ने हनेरी लिया दिती मेरे स्कूल च, मौसम सोहना हो गया।
थैंक यू। अभी आप मैंने कंटूर यूज किया है फेंटी ब्यूटी का, देन उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। मैम पूनम जी कह रहे हैं कि मेकअप स्टूडियो के कोई दो कलर बता दें। मेकअप स्टूडियो का है ये नंबर ओरिएंटल येलो, ओरिएंटल देन मीडियम ओरिएंटल, ओरिएंटल येलो और मीडियम ओरिएंटल ये थोड़ा डार्क एंड लाइट हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर वो है टू फेस्ट का। मैम अगर विरामी जी पूछ रहे हैं कि आइज के नीचे कंसील करने के बाद पफनेस क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने जो उसको हाइलाइट बहुत ज़्यादा कर दिया, आपके जो फ्लफीनेस, वैसे तो क्रीम आती है मेरे पास है फ्लफीनेस के लिए जो कम करता है। थैंक यू। मैका का है ये अंडर आई प्राइमर, ये बहुत अच्छा है अगर फ्लफीनेस आती है। बट आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कम लगाना है, फ्लफी आईज होती हैं तो आपने टाउन में कम प्रोडक्ट यूज करना है। थैंक यू अंकिता जी, आप बहुत अच्छे से मेकअप कर रहे हैं। मेहंदी भी सिखाते हैं क्या मैम? जी हम सब कुछ सिखाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू इतनी अच्छी फीडबैक के लिए। तुसी घर भी आते हो मेकअप करन जी, ब्राइडल करवाना होवे जे? ब्राइडल का पूछ रहे हैं कि घर भी आते हो? हाँ जी, जब अब करना पड़ता है ना लॉकडाउन में, वैसे मैं पहले नहीं जाती थी, अब जाना पड़ता है। अभी मैं ब्लशर यूज कर रही हूँ, वो है मैक का। जट्टी को जी अगर आपने कोई भी मेकअप के बारे में पूछना है तो आप मैम को इनबॉक्स में कर सकते हैं। जेंटल ब्लश है ये मैक का, जेंटल ब्लश। हाँ जी हरप्रीत जी, वीडियो आफ्टर 1 वीक सेव रहेगा। रेशु कंबोज मैम अभी क्या लगा रहे हो? ब्लशर लगाया मैंने मैक का जेंटल ब्लश। देन उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ डर्मा का P3 लूज पाउडर। डर्मा का है ये P3 लूज पाउडर। मैम जी बटर प्रूफ मेकअप के लिए कौन सा लूज पाउडर यूज करें? वो होगी टेक्निक हमारी जूम क्लास में। अभी मैं यूज कर रही हूँ वो है। हाँ जी अंकिता जी, मैम ऑनलाइन मेकअप क्लास जून में स्टार्ट करेंगे। जून पे होगी हमारी क्लास, जिस किसी को भी आपने इंक्वायरी लेनी है, किसी ने सीखना है जून पे, तो प्लीज मैसेज डीएम करें हमें। और जो मेरा नंबर है वो है 9463511088। मैम का कॉन्टैक्ट नंबर है 9463511088। अगर आपने कुछ भी पूछना है ऑनलाइन क्लासेस का तो मैम को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैम का नंबर 9463511088। हरप्रीत जी कौन सा ब्रश पूछ रहे हो आप? मैम ने डर्मा का पाउडर यूज किया है D3। डर्मा का P3। अह
आपने जो भी ऑनलाइन क्लासेस का पूछना है, फीस का या कितने दिन की क्लास है, वो आप मैम को डायरेक्ट मैसेज कर दें। मैम किरण जी पूछ रही हैं कि वार्म वेज कलर ठीक है मेकअप स्टूडियो का? अच्छे हैं, बहुत प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे हैं। आपको टेक्निक आनी चाहिए, जो है मेकअप स्टूडियो, क्राइलोन, मैक, जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, बट स्किन टोन के अकॉर्डिंग सभी अच्छे होते हैं। डर्मा अच्छा है या मेकअप स्टूडियो के कंसीलर? दोनों अच्छे हैं। अभी मैं यूज कर रही हूँ मैक का NC42, जहाँ मैंने कंटोर किया है उसको हल्का कंटोर करने के लिए, इससे क्या होगा सॉफ्ट लुक आएगी, आपके मेकअप में ऐसा नहीं लगेगा कि जहाँ प्रोडक्ट लगाया है यहाँ लगाया है, इसमें सॉफ्ट लुक आती है बिल्कुल। हाँ जी हरप्रीत मैम, आपने मेकअप ब्रशेस मतलब कौन से पूछने हैं, आई शेडो, ब्लशर, कंटोरिंग, कौन से? जिसने जो भी पूछना है, आप जो भी क्वेश्चन करते हो डिटेल में मेंशन कर दिया करो, ताकि मैं मुझे इजी हो आंसर देना, ऐसे तो मैं भी पजल हो जाती हूँ। रिचा का मॉइस्चराइजर शो कर दो एक बार। मेकअप की ऑनलाइन क्लासेस लेट हो क्या कह रहे हो रजनी मैम, आप प्लीज एक बार रिपीट कर दें। उसके बाद मेकअप फिक्सर मैक, हमने मेकअप फिक्सर यूज किया है मैक का, और इसकी क्वांटिटी भी गुड होनी चाहिए, यानी कि हमने एक तो प्रेशर दिए देन ओके, हमने सेटल देना है, ग्लोसी मेकअप दिखाना है, क्रीम कंटूर, पाउडर कंटूर, कैसे बेस्ट, दोनों बेस्ट है। आपने नेचुरल लुक देनी है, बिल्कुल सॉफ्ट लुक, तो आप पाउडर कंटूर कर सकते हो। अगर किसी का फेस हैवी है तो पहले हम उसको क्रीमी कंटूर करेंगे, देन उसके ऊपर हम पाउडर कंटूर यूज़ करेंगे। ये मैंने टेक्निक बताई है, वैसे इनका फेस बहुत अच्छी शेप है इनके फेस की, और मैंने लीव किया थोड़े टाइम, मैंने छोड़ दिया, देन उसके बाद क्या करना, मैंने हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। गाइस मैम इस साइड तो वीडियो हमारी तरफ से तो ओके है, शायद आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रह रही है, सिमरन रुक रही है। शुगर के प्रोडक्ट्स कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे हैं, शुगर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं गाइस, इसका लिप कलर बहुत अच्छे हैं। अभी यो मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर। मैम डर्मा में लूज पाउडर कौन सा था, नंबर क्या था? P3 और P4 रनिंग शेड हैं दोनों। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही मेरी, और तो क्लियर चल रही है, आपका नेटवर्क इशू होगा। मैम प्लीज वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट बता दो कौन से हैं। वाटरप्रूफ मेकअप होता है डियर, प्रोडक्ट नहीं होते, जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल हैं, वो इंडिया में थोड़ा कम मिलते हैं। सेंटर ऑफ द आईब्रो, थैंक यू, क्लियर है मैम? हाँ जी वीडियो क्लियर है। मेकअप का ऑनलाइन क्लास नहीं लेट हो, लेट नहीं लेते हो ना?
लेते हैं ना, फुल मीनिंग बनाना पैंता। मैम हाइलाइटर कौन सा यूज किया है? मैंने टार्ट का यूज किया है, होलोग्राफिक हाइलाइटर। जहाँ तक मेकअप आपको कैसा लगा, प्लीज रेड रोजेस जल्दी से जल्दी, उसके बाद में आईज मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। ये कौन सा हाइलाइटर है मैम? ये टार्ट का है, क्रोम पेंट हाइलाइटर, क्रोम पेंट हाइलाइटर। हाँ जी, कौर जी क्या क्वेश्चन है आपका मैम? सॉरी अगर कभी आपका मिस हो गया हो, क्या पूछ रहे हो आप? अभी हमारा इंस्टा पे थोड़ा टाइम रहता है, उसके बाद हम दोबारा लाइव होंगे, क्योंकि अभी आईज मेकअप स्टार्ट करूंगी उसके। बहुत सोना मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच निखिल सर, थैंक यू। रजनी जी, हम मेकअप ऑनलाइन लेते हैं अभी, नेक्स्ट हम जल्दी ही डेट अनाउंस करेंगे, बहुत जल्द। थैंक यू गाइस, आपने इतने अच्छे हमें फीडबैक दिया, थैंक यू, वेरी वेरी नाइस, बहुत सोना मैम, थैंक यू। कौन सा आई मेकअप होगा मैम? आपने ना वीडियो लाइव रहेगी IGTV पे, तो आपने देखना, चेक करना आपका क्या क्या मिस रह गया, प्लीज आप जरूर देखना उसमें जाके। अभी जो मैंने आईब्रो डिफाइन के लिया है, डीप ब्रो डार्क ब्राउन अनस्तासिया। हाँ जी कौर मैम जी, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं, आपका रह क्या होगा क्वेश्चन, सॉरी। थैंक यू सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। अभी मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। आपने जल्दी से जल्दी शेयर करना है, टैग करना है अपने 3 फ्रेंड को अपनी आईडी पे जाके, आपने टैग करना है, साथ ही साथ मुझे शेयर करना है, तो हम संडे को अनाउंस करेंगे जो पहले फास्ट 5 विनर अप होंगे, सॉरी पहले नहीं, जो भी होगा। हाँ जी मैम, आप लेंस ब्राइडल को भी डाल सकते हैं, सॉरी आपका जो क्वेश्चन रह गया होगा, आई एम सॉरी, वो पूछ रहे हैं कि लेंस ब्राइडल को डालते हैं। नहीं, हम जूम पे सबकी वॉइस नहीं, हम म्यूट करवाएंगे। ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि जूम पे सभी बोलते हैं और म्यूट नहीं करते कैमरा। मैम ज्योति ब्यूटी सैलून है, वो पूछ रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैक के ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे? आपको लांटे से मिल जाएंगे ओरिजिनल प्रोडक्ट। ऑल्सो वेलकम कौर जी। जो हमारा फ्रंट कॉर्नर होता है, हमने उसको लाइट रखना होता है, ये नहीं कि उसकी उसको भी हम डार्क कर दे तो ड्रामेटिक लुक आती है उससे। अब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कितना है। मैम वेरी नाइस, यू आर ग्रेट मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू जी।
दी डायमंड जी, आप अभी लाइव मेकअप देखे मैम का, जो भी मैम आपको टेक्निक बता रहे हैं। हरप्रीत जी पूछ रहे हैं कि कंसीलर पैलेट और फाउंडेशन कौन सा यूज किया। कंसीलर मैंने डर्मा का यूज किया था, D30। वीडियो सेव रहेगा दिया, आप देख सकते हो बाद में भी। मैं तो पहली 10-15 मिनट लेट थी, आप मेरे से भी लेट हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू, इतनी अच्छी फीडबैक दे रहे हो आप। हेलो परवीन जी, इंस्टा पे है जा इंस्टा पे मैम चल रही है इस पे तो अभी भी पॉज है। चल रही है। थैंक यू पूजा जी, बाओ नाइस शेप। आप भी ऐसे कर सकते हो गाइस, अगर आप मैम के टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि देखकर आप फ्री बैठें। मैम बार बार यही बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप भी बहुत अच्छा मेकअप करोगे। वाओ वेरी नाइस शेप मैम आईब्रो। थैंक यू सो मच। तो मैं चंगी तरह देखी आईब्रो सेम नहीं है मैम, आप आईब्रो बहुत अच्छे बनाते हो। थैंक यू, मुझे तो सेम लग रही है। ट्विंकल जी पूछ रहे हैं कि सम पीपल डू आई मेकअप, मतलब फर्स्टली जब वो आई शेडो के पाउडर या ग्लिटर गिरते हैं तो फेस क्लीन करना पड़ता है, तो बेस है जो बाद में कंप्लीट करते हैं। हाँ, ग्लिटर की प्रॉब्लम वो आपको इजी कैसे टेक्निक आती है वो कर सकते हो। ये नहीं कि आप पहले मेरी तरह बेस बनाओ उसके बाद आईज मेकअप करो, आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अभी मैं जो आईज पे बेस बनाऊंगी वो है नार्स का। मैम अगर बेस अगर पहले करो तो बाद में आई शेडो का पाउडर नहीं गिरता। गिरता है वो डिपेंड करता है आपके पास आई, आपने क्या करना है नीचे लूज पाउडर लगा लेना है, थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में लगाना है ताकि जो भी आपकी फॉलिंग हो आप जब आफ्टर आईज मेकअप के बाद उसको डस्ट फ्री कर दोगे।
हाँ जी मूलचंद जी, हो सकता है कि बार ये मैं यूज कर रही हूँ जिंजर मीडियम टू नार्स, नार्स का है ये कंसीलर जिंजर मीडियम टू नंबर। मैम ने नार्स का जिंजर मीडियम टू नंबर यूज किया है। गाइस आप सभी प्रोडक्ट के नेम एंड नंबर नोट कर लें। ये है नार्स का जिंजर टू मीडियम टू। वेरी नाइस आईब्रो, थैंक यू पवित्र जी, थैंक यू पवित्र मैम। टैग करके स्टोरी डाल दी, आपको भी मेंशन किया है, थैंक यू सो मच जी, जिसने भी डाली है, जिसने जल्दी से जल्दी शेयर भी करते जाएं। आप जब शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने हल्का ब्लेंड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट। मैम आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हो, सब सभी से समझ आ रहा है। थैंक यू संजू जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं टेप लगा रही हूँ आईज पे। देखो अगर किसी ने बेस पहले बना लिया तो हम जब टेप लगाते हैं आईज मेकअप के लिए तो हमारा साथ में मेकअप भी उतर जाता है, तो हमने क्या करना है इसकी ग्लू कम कर देनी है ऐसे। हरप्रीत जी मैम ने ब्यूटी ब्लेंडर अतुल चौहान का यूज किया है। ग्लिटर ग्लू कौन सा? आप ड्यू की भी ले सकते हो, एलआईटी का भी ले सकते हो, टू फेस्ट का ग्लू है बहुत अच्छा है ग्लिटर ग्लू। मैम टैग करके स्टोरी डाल दी, और क्या करना है? बस डाल दी, ठीक है। उसके हम गाइस आपके लाइक देखेंगे अभी इसके बाद, तो संडे को आपका जो भी होगा रिजल्ट हम उसको आपको बताएंगे। परफेक्ट फेस मेकअप सो स्मूथ, थैंक यू ट्विंकल जी, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमने ग्लू कैसे कम करनी है, हमने हाथ पे चिपकाना है सॉरी टेप को, उसके बाद प्रेस करना है अच्छे से, फिर ग्लू कम हो जाएगा। टेप लगाना जरूरी है क्या? जी मैं आईज मेकअप कर रही हूँ ना, उसके लिए मुझे जरूरत है। आप डायरेक्ट, वैसे तो मैं भी डायरेक्ट करती हूँ, बट आज मैं आपको जो सिखाऊंगी आईज मेकअप वो टेप लगा के ही होगा। मैम कंफ्यूज है सभी के जो लाइव वीडियो है ये शेयर करनी है या जो लाइव है ये लाइव वीडियो शेयर जल्दी से जल्दी शेयर करे, साथ ही साथ स्टोरी पानी है गाइज, तुसी पोस्ट नहीं पानी, क्योंकि जो टेप लगाने का क्या मेथड है, जब भी आप टेप लगा के मेकअप करोगे तो जो आईज मेकअप होगा उसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। कभी क्या होता है ना, जो हम आईज भी ब्लेंडिंग करते हो तो वो ज़्यादा आगे चला जाता है कॉर्नर सॉरी आउटर में, तो वो नहीं जाएगा जो आपको लुक देनी है, तो मैं इसी से दे रही हूँ, तभी मैंने टेप लगाई है। गाइड्स ये लाइव वीडियो है, ये आपने मैम को टैग करके अपनी स्टोरी पे डालनी है।
अभी जो मैंने पहले नार्स का लगाया था उसके ऊपर मैं हल्का सा वन ड्रॉप टार्ट का लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा हैवी आइस पे बेस बन जाए। जब तक आप बेस को लॉक नहीं करोगे आइज मेकअप, आप बोलोगे क्लाइंट को कि क्लोज रखें प्लीज़, अगर क्लोज ओपन करेंगे तो वो फिर इकट्ठा हो जाएगा, रिंकल्स बन जाते हैं, लाइनें क्रिएट हो जाती हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैम संजू जी पूछ रहे हैं कि टेप की पोजीशन कैसे सेट करें, आईब्रो से कितनी दूर रखें? वो आइज पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी हैं आइज कितनी छोटी हैं, तो मैंने जो शेप लेनी है वो आउटर आईब्रो के आउटर कॉर्नर तक लेके आऊँगी, तो उसी हिसाब से मैंने शेप रखी है। वैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैंने देखा है यहाँ से टेप की मेंशन करते हैं लगाने की, ऐसे देखो आ गई ना शेप, आपने ऐसे लगाना है, आपकी शेप बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए। फ्रंट पे कितना लगा वो मैटर नहीं, ये नहीं मैटर, मैटर करता जो आपने कॉर्नर पे लगाया है, लाल आईब्रो अलग अलग है। वैसे लग रही है आपको मेरी ओर से तो बिल्कुल सही है, ये देखिए किस किस को लग रहा है अलग है या नहीं है प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मैं मिरर में नहीं देख रही, आपको देख रही डायरेक्ट, तो प्लीज आप रिप्लाई करें। थैंक यू संजू जी। यस दी डायमंड जी वो काम कर रही है। थैंक यू ट्विंकल जी, परफेक्ट है आईब्रो। थैंक यू। अभी जो मैं फर्स्ट यूज कर रही हूँ वो है मैक का है ये हार्मनी शेड, मैक का हार्मनी शेड है ये, पिंक ब्लशर भी हम ब्लशर की और उस पे भी लगा सकते हैं एज ए ब्लशर, बट मैं फर्स्ट ईयर यूज़ कर रही हूँ। आप मुझे दोबारा क्वेश्चन पूछोगे कि मैम आपने अब क्या यूज़ किया, मैं बार बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये हार्मनी शेड है पिंक ब्लशर, मैक का है ये, आप इसको एज ए ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो नेचुरल ब्लश की तरह। सिमरन कहाँ है मैम, किस मिस्टर जी सिमरन काम कर रही है? सिमरन यहाँ पर नहीं है, अभी जो मैं ब्रश यूज करूंगी वो है ब्यूटीलिशियस का 315 नंबर। ये तो ब्राउन कलर है, मैंने पहले भी बोला था कि आप एज ए ब्लशर भी यूज कर सकते हो, नहीं ये पिंक शेड है, वैसे स्क्रीन में आपको ब्राउन शेड आता होगा। दी डायमंड जी आप मैम की लाइव वीडियो एंजॉय करें, पिया दी एंड सिमरन दी से आपकी बाद में बात करवा देंगे हम। कंचन जी थैंक यू। अभी मैंने आउटर पे लगाया है ये क्रीज लाइन के ऊपर, देन उसके बाद मैं थोड़ा इससे बड़ा ब्रश ही यूज करूंगी ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। कौन सा ब्रश है मैम? ब्यूटीलिशियस का था वो 315। मैम ने वो ब्यूटीलिशियस का 315 नंबर ब्रश यूज किया था मैम। अभी मैं मैक का कर रही हूँ, वो नंबर है 224 नंबर, थोड़ा बड़ा है ये,
थैंक यू नवजोत जी, थैंक यू। ये मैसेज कौन रीड कर रहा है? ये हमारा स्टाफ का ये है प्रिया, उसका नाम प्रिया है। शी इज वेरी गुड। आपको बाद में हम उसको भी लाइव में लेके आएंगे। वैसे जो मेरा स्टाफ है वैसे बहुत होनेस्टली है और बहुत अच्छा है सारा स्टाफ मेरा। थैंक यू कौरजती जी, मैम आप आई मेकअप बहुत क्या करते हो। थैंक यू पूजा जी, मैम ऑलवेज रॉक। थैंक यू। अभी यो मैं यूज कर रही हूँ वो है जो मैं अभी यूज कर रही हूँ वो है थोड़ा हल्का डार्क है, ये इनग्लॉट का है। थैंक यू किसमिस जी, थैंक यू। मेरी मॉडल को नींद आ रही है। नहीं, वो थोड़ा करना था, मेरी फेस दिख रही है। मैम अभी आपको आई शेडो पायलट बताएंगे जो यूज करेंगे। जी मैंने इनक्लॉड का यूज किया है डार्क ब्राउन शेड। पहले मैंने लाइट लिया था वो था दो और मैंने कॉर्नर पे पहले रखा, फिर उसको ब्लेंड किया। अगर जब आप मेकअप करते हो तो पहले प्रोडक्ट को हमने डिपॉजिट करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग करनी है। आप अच्छे से मैम की टेक्निक देख लें कि मैम कैसे यूज कर रहे हैं, मैम साथ में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। गाइज आप तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखें सुने। आपका सिखाने का तरीका वेरी डाउन टू अर्थ, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। मेक ओवर गिनी के नाम से आईडी है मैम। थैंक यू सो मच गिनी जी। हेलो मंजीत जी, आपने जब भी ब्लेंडिंग करनी है ये नहीं कि हमने तीन चार बार ब्रश को हिलाया और देन ब्लेंडिंग, हमने अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि स्किन ऐसा ना लगे कि प्रोडक्ट लगाया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल ब्लेंडिंग आए। जकीर जी मैम पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। उस नाम में इनका सैलून आप कहाँ से बोल रही हो जकीर हुसैन जी? निधि शुक्ला, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से कोई भी नहीं दिखाता, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी जो मैं नंबर जो ले रही हूँ वो है वैलेंटाइन। ये मैं सैली पलमा की पैलेट है, तो आप जो आपके पास कोई भी कलर पैलेट है आप उसमें चूज कर सकते हो। मेकअप का क्या थीम है मैम? स्टार्टिंग में बताया है, आप दोबारा जरूर देखना। मैम आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू प्रीत जी, थैंक यू। हेलो विजय सो मच, आप इतना अच्छे से अप्रिशिएट करते हो जो आजकल बिल्कुल भी कोई नहीं करता एक दूसरे को, तो थैंक यू सो मच सबके लिए जो इतना अच्छा टाइम दे रहे हो मुझे, तो मैं और भी अच्छे अच्छे से सिखा रही हूँ आपको और सिखाऊंगी आगे भी। मैम
मैम आपका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। अभी देखो मैंने पहले लाइट किया, फिर डार्क किया, उसके बाद थोड़ा हल्का मैंने पर्पल शेड लिया, डार्क पर्पल शेड जिसको बोलते हैं वो शेड लिया है, बरगंडी शेड भी बोल सकते हैं आप उसको। आई मेकअप जूम करिए। अभी ठीक है गाइस, दिख रहा है सबको अच्छे से आईज मेकअप? आप ब्राइडल में भी यूज कर सकते हो, ये टेक्निक है। किसी में गुजरात से बात कर रही हूँ मैम, थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से हमें फॉलो कर रहे हो। गाइस आप किसी में भी, ये टेक्निक है जो मैं आज आईज मेकअप कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है और न्यू टेक्निक के साथ है। मेकअप ब्रशेस किस ब्रांड के बेस्ट हैं? सारे बेस्ट हैं, PSE के भी अच्छे हैं, ब्यूटीलिशियस के भी अच्छे हैं, मैक के भी अच्छे हैं, बट थोड़ा एक्सपेंसिव हैं। रेशु जी कह रहे हैं कि आपको फोन कर सकते हैं तो कब करें? आप लाइव के बाद कर सकते हो, इवनिंग 8 बजे से पहले, उसके बाद हम फैमिली में होते हैं तो फैमिली के काम भी करने होते हैं। ज्योति जी कह रही थी मैम मैंने आपसे मेकअप क्लासेस लेनी है, बस ये कोरोना ठीक हो जाए तब। हाँ जी हाँ जी, जरूर, मोस्ट वेलकम जी, तभी मैंने लाइव किया है ताकि जो भी अभी आपके पास ब्राइडल आती है, आप घर में कर रहे हो तो आपको कुछ नया मिल जाए। तो हमें क्या होता है, हम सिखाते हैं ना तो हम भी कभी किसी से सीखते हैं ना, थोड़ा हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं मेकअप सिखाती हूँ साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी सिखाती हूँ कैसे आता है। मेरे भी नहीं था, बट मुझे भी ये लाइव कर करके स्टेज सेमिनार दे के फिर आया है, तो आप भी ऐसे ही करें। तो अभी मैं कार्निवल की पैलेट से ब्लू शेड ले रही हूँ। मैम ने कार्निवल की पैलेट यूज किया गाइस, बी परफेक्ट की जो है ब्लू शेड लिया है। ट्विंकल मैम 1 वीक के लिए वीडियो सेव रहेगा। अभी मैंने कॉर्नर पे डिपोजिट किया है ब्लू शेड। मॉडल को आपकी नींद आ रही है? नहीं, आईज बंद करनी पड़ रही है। नहीं, कभी भी कोई बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, तब भी नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगी चाहे मुझे कितनी नींद आ रही है। मुझे आई मेकअप हो रहा है तो उसके कारण हमें ऊपर AC भी चल रहा है तो रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब कि मेरे मेकअप से खुश हो रहे हैं मॉडल, ये भी हो सकता है ना। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना किसी के बारे में। थैंक यू रशु जी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू। थैंक यू रशु जी, तो आपको कैसी लगी हमारी लाइव क्लास जो आपने पहली बार लगाई है? थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। अगर क्या होता है, हम आईज मेकअप करते हैं ना, हमें क्या होता है, हमने ब्रश के साथ ही ब्लेंडिंग करनी है। अगर जहाँ नीड है आपका ब्रश नहीं जाता फैलाता है, तो आप फिंगर टिप्स से भी उसको ब्लेंड कर सकते हो। हाँ जी, जाकिर हुसैन जी मैम पंजाब से हैं, पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू रशु जी, आप हमें इतनी अच्छी फीडबैक दे रहे हो तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसे हमने ब्लेंडिंग करनी है, दिस साइड भी सेम।
है, मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन बट मैं अपडेट होना चाहती हूँ, कम से कम टाइम बताएं जिससे मैं आपसे सीख सकूँ। आप कम से कम टाइम में आप 1 वीक की क्लास ले लो अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो आप इससे भी कम की ले सकते हो, बट हमारी जो क्लास होती है टाइमिंग नहीं होती, जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम कंप्लीट सिखाते हैं, ये नहीं होता कि हमारी टाइमिंग 10 से 4 बजे 5 बजे, हम कंटिन्यू सिखाते रहते हैं जब तक हमारा स्टूडेंट ना बोले कि कल करेंगे। मैम आपका मेकअप बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच गाइस। अभी जो मैं इनर कॉर्नर यूज कर रही हूँ वो हल्का लाइट शेड का बेस लगा रही हूँ कॉर्नर पे ओनली, मैं भी आपकी क्लास लेना चाहती हूँ। सौभाग्य सलून मोस्ट वेलकम मैम, जब भी आपने मैम से लेनी होगी क्लास तो आप मैम को कॉल मैसेज कर देना। इनर कॉर्नर मैंने हल्का हल्का सा बेस लगाया है, वो मैंने कंसीलर यूज़ किया है बॉबी ब्राउन का वार्म नेचुरल, बॉबी ब्राउन का कंसीलर है ये बाम नेचुरल। अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटीलिशियस का है 316 नंबर। फर्स्ट टाइम आपका लाइव ज्वाइन किया, बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं जो ले रही हूँ कार्निवल पैलेट से ही वाइट आई शेडो है ये पिलो टॉक है ये इसका नाम। मैम का फोन नंबर है 9463511088, आप नोट कर ले, आपने जब भी क्लासेस लेने आना हो तो आप मैम से बात कर सकते हैं। ओके ट्विंकल मैम आपको राजपुरा में टैलेंट शो में मिले थे जो भूपिंदर सर ने ऑर्गेनाइज करवाया था, थैंक यू। बेस लगाया था उसके ऊपर मैंने वाइट आई शेडो यूज किया है। नीलम जी आपने जो भी क्लासेस का पूछना होगा आप मैम को डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैम आपका आंसर दे देंगे वहाँ पे, जब बाद में आप लाइव मेकअप के बाद मैम को कॉल कर लेना। यस मैम, लेंस लगाने के बाद आप आईलाइनर लगा सकते हैं। करने वाला भी दिखना चाहिए आपको। आप अभी लाइव मेकअप का एंजॉय करें, मैम लास्ट में जरूर आएंगे लाइव में, आपसे बात भी करेंगे।
कह देना सी मैम। हाँ जी जी डायमंड जी, मैम आएंगे। क्या है ना, अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे पास भी पूरा पूरा टाइम ही होता है, तो प्लीज़ इतने में आप अभी मेकअप इंजॉय करें, कुछ सीखें। अगर मैं सामने आ गई तो फिर मैं सामने ही रहूँगी, मॉडल चली जाएगी। फिर आप पूछोगे कि मैम लास्ट लुक क्या थी, हमें फिर आप पूछोगे कि मेकअप में बाद में क्या किया था। मैम का नंबर है 9463511088, नोट कर लें। मैम एक बार आप सामने आ जाए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके फैंस, देख लो गाइस। मैंने तो मास्क लगाया हुआ है, कैसे देखोगे आप? आपकी मॉडल मुझे बहुत स्वीट लग रही है यार, थैंक यू। हाँ जी, हमारी मॉडल बहुत स्वीट है, थैंक यू सो मच। स्वीट के चक्कर में आप इनको फॉलो करो और आप मॉडल बनाओ, अपनी वर्क करो अच्छे अच्छे से। अभी तो रहती है जी। अभी जो मैं ले रही हूँ वो है शेड, ये पैलेट है अर्बन डीके की मून डस्ट। मैम अर्बन डीके की मून डस्ट पैलेट यूज कर रहे हैं। उससे पहले मैं यूज कर रही हूँ, सॉरी पहले मैंने अर्बन डीके का बोल दिया था डियर, ये है फेस ब्यूटी, जो हमारे बॉडी पेंट कलर आते हैं उसमें से मैं शेड ले रही हूँ, ग्रीन शेड। लिप कलर में भी कलर होते हैं ये, लिप कलर पैलेट में बहुत सारे। और जो मैं अब यूज कर रही हूँ वो है शिमर क्रीमिंग ग्लिटर इमेजिक की पैलेट है, ये ब्यूटी ग्लिटर पैलेट जो मैंने लगाया है शिम शेड का, मैंने ग्लिटर लेना है। Thank you.
मैम से फ़ोन पे बात कर लेना, वो मैम अपने स्टूडियो के सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रही हैं, बाद में बता देंगे ये हम। आप मैम को कॉल कर लेना या डीएम कर देना। मेकअप की क्लास चल रही है तो आप एंजॉय करें एक मेकअप की क्लास। अभी जो मैं ग्लिटर ले रही हूँ सेम शेड है, दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी। वीडियो को गाइस शेयर करें। मैम की इंस्टा आईडी परम टिंट्सा ऑफिशियल, परम टिंट्सा ऑफिशियल मेकअप यूट्यूब चैनल, एम्बिया सैलून सुनाम के नाम से यूट्यूब चैनल है गाइस, वहां पे भी आप मैम की वीडियो देख सकते हैं, मैम डालते हैं, आप जरूर फॉलो करना। मैम न्यू अकेडमी के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू। सो गाइस आप सब ने टैग करके स्टोरीज डाल दी हो, वीडियो शेयर कर रहे हो। मैम आप कौन सा ब्रश यूज कर रहे हो उसका नेम? ये है मेरा कैंडी का है ये 015। मैम कैंडी का 015 ब्रश यूज कर रहे हैं, 015 कैंडी का। देन उसके बाद हमने फिंगर से उसको डब करना है ताकि जो एक्स्ट्रा हो हमारी फिंगर पे आ जाए, जिन्हें होके ब्लिंकिंग के बाद हमारी ग्लिटर है जो नीचे आते रहें। मैम ने अभी ग्लिटर लगाया है सेम शेड का गाइस। शेड से मैं ब्लेंड कर रही हूँ दोबारा। देखो मेरा एक भी ग्लिटर मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन किया तो मेरे फिंगर पे एक भी ग्लिटर नहीं आ रहा, तो आपको टेक्निक आनी चाहिए कि कहाँ क्या यूज करना है। आप टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो करना जैसे जैसे मैम आपको सिखाते हैं। ग्लिटर कौन सा यूज कर रहे हो? इशिका शर्मा इमेजिक के हैं ये। मैम ने इमेजिक के ग्लिटर यूज किए हैं। अभी मैं आईलाइनर यूज कर रही हूँ। इमेजिक के हैं। थैंक यू मेहर जी, जो मैंने ग्लिटर यूज किए हैं आप क्लिक कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ज्योति भाटिया जी कह रही हैं बेस्ट फाउंडेशन बता दो ऑयली स्किन के लिए। हुड्डा ब्यूटी के बहुत अच्छे हैं। ज्योति मैम हुड्डा ब्यूटी के फाउंडेशन यूज कर सकते हैं आप फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए हुड्डा ब्यूटी के यूज कर सकते हो आप फाउंडेशन। अभी मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ये इनग्लॉट का है 77 नंबर।
इसमें भी मैं वन ड्रॉप ड्यूरालेनर यूज करूंगी मिक्स करके। शेडो है जी ग्लिटर है और लाइट शेड कभी भी ग्लिटर के साथ मिक्स नहीं होता, डार्क शेड हो जाता है। मैम हिंद क्लोड का आईलाइनर यूज कर रहे हैं 77 नंबर। ज्योति जी कह रहे हैं कि काजल कोई जो स्मूथ ना हो, सभी काजल ट्राई कर लिए मैंने बट आईज ब्लैक कर देते हैं, तो प्लीज बताओ। ये नहीं करेगा इन क्लॉट का 77 नंबर आप ये अभी यूज करोगे। मैम इन क्लॉट का 77 नंबर यूज कर रहे हैं आईलाइनर का। मेरी स्किन पर पिंपल हो जाते हैं, मेरे लिए बेस्ट क्रीम सजेस्ट कर दीजिए। पिंपल के लिए आप अच्छा फेस वॉश यूज़ करो नॉन ऑयल। और जब भी आपने यूज़ करने हैं प्रोडक्ट तो आप अच्छा प्राइमर यूज़ करो, मैट परफेक्ट आते हैं। दिख रहा है आपको मैम आपका क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। थैंक यू जी ऑफिशियल आईडी एनके। मैम मैंने पहला भी आपकी क्लास ज्वाइन की है, आपके सैलून में मैम आपका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू सैलून ग्लैमर भी, थैंक यू मैम का नेचर बहुत अच्छा है। आप खुद अच्छे हो तो सब आपको अच्छे मिलेंगे।
अभी मैं टेप उतारने जा रही हूँ, आप देखना। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो एक वीक के लिए सेव है, तो आप शुरू से देख सकते हैं, टाइम निकाल के जरूर देखना। अब उसके बाद जो हमारा हल्का हल्का फाउंडेशन टेप के साथ वो हो जाता है, तो हमने उसको ब्लेंड करना है। आपकी मॉडल बहुत स्वीट है और आप बहुत प्यारे हो मैम। थैंक यू। थैंक यू गाइस। तो गाइस एक बार हमें जल्दी से फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा मेकअप, लाइव क्लास एंजॉय किया आपने? होप्सो सभी को उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं। जल्दी से फटाफट हमें रेड रोजेस थम्स अप, प्लीज़ फीडबैक दें हमें जल्दी से, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना गाइस आगे की आगे, और जो भी मैम ने आपको बताया है शेयर करके मैम को टैग करके स्टोरीज डालनी है तो वो ज़रूर करना। अब मैं ये कलर दोबारा ले रही हूँ जो मैंने ऊपर लिया था क्रीमी, जब भी हमने डार्क आईज काजल कलर फिल करना है अदर शेड से, ब्लैक तो ब्लैक ही होता है, बट अगर हम अदर शेड जैसे डार्क ग्रीन ब्लू तो सेम शेड का हमें नीचे क्रीम जरूर लगाना है। अब अगर आपके पास अनस्तासिया की, सफरेल की, एनी कोई भी लिप पैलेट है उसमें सारे शेड होते हैं ब्लू ग्रीन पर्पल, तो आपने क्या करना है उससे क्या होगा आपका इनहेंस होगा काजल। करते हैं हेयर पे तो हमारे ड्राई हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये कर लें वो कर लें, बट आप होम केयर करोगे तो अच्छे हो ठीक हो जाएंगे। अभी जो मैं काजल डाल रही हूँ वो है कलर बार का काजल पेंसिल। अभी मैम कलर बार की काजल पेंसिल यूज कर रहे हैं।
जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, वो किसी किसी का हो जाता है, वो जनरल होता है, कोई ये नहीं कि हम आपके लगाने के जाए तो आपका ब्रश चुभता होगा। कई बार क्या होता है हमारा जो ब्रश होता है ना हार्ड होता है तो उसके ब्रिसल्स होते हैं ना वो पिंच करते हैं स्किन को, तो भी बट रहा जाता है। अगर हवा जाती है, आप काजल डाल रहे हो हवा जा रही है आइज में तो भी हो जाता है। किसको अच्छी लगी पता क्या, हमें भूख नहीं लगी, हमें आपके कमेंट की, अच्छे अच्छे कमेंट की ही भूख होती है। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा उसका जो होता है वो होता है अच्छे अच्छे से कमेंट्स और अच्छी अच्छी फीडबैक देना उसके बारे में। थैंक यू, फर्स्ट ब्लश यूज किया था वही दोबारा ले रही हूँ। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी बेकिंग पाउडर। ये क्यों किया मैम हुडा ब्यूटी कल? अभी लास्ट में फिनिशिंग दे रही हूँ इसलिए, अभी समर भी है तो बहुत अच्छा है ये। थैंक यू सोनिया मैम, आप वीडियो शेयर कर रहे हैं लेकिन आपने वीडियो मिस कर दी। कोई बात नहीं, वीडियो सेव है, जहाँ से आपका मिस हुआ है तो आप देख लेना वहां से। प्रोडक्ट कैसे होते हैं? बहुत अच्छे, मैंने स्टार्टिंग क्रायलॉन से ही की थी आज। आईलैशेस अप्लाई करेंगे गाइस, आप इतनी जल्दी में हो ना आईलैशेस। उसके बाल लिप कलर, ये मेरे पास मैक का है। मैं अपने मैक का लिप कलर यूज किया है। हाय,
कलर यूज़ किया है, बट इस पे शेड नंबर कोई मेंशन नहीं। हाथ से वो क्या हो जाता है ना, रिमूव हो जाता है बार बार हाथ लगाते हैं। अभी जो मैं आई लैश यूज़ कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशिस की, सॉरी लैश अप की है। जब भी हम आईलैशेस लगाएं उससे पहले हमने क्या लगाना है, मस्कारा यूज करना है। कर रही हूँ वो टीको का है, टीको है जो इटालियन ब्रांड है, टीको मिलानो। ये बहुत अच्छा है, अब मैं आईलैश यूज कर रही हूँ, लगा रही हूँ। सॉरी, जब भी आपने आईलैश लगानी है तो सबसे पहले नीचे आईज पे अपनी जो ओरिजिनल आईज होती हैं, उस आईलैश होती हैं उस पे आप मस्कारा जरूर लगाओ। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट कैसे होते हैं? बहुत अच्छे हैं स्विस ब्यूटी के। जब भी हमने लैश लगानी है, मैं ड्यू की ग्लू यूज की है मैंने, लिक्विड ग्लू, ये ट्यूब में भी आती है, मैंने ये यूज़ किया है। तो हमने हल्का सेमी ड्राई करना है, ये नहीं हम डायरेक्ट करेंगे तो नीचे आईलैश आई लिड पे लग जाती है, तो फिर आईज ओपन नहीं होती और पानी आता है आईज में। काफ़ी टाइम देखा है मैंने, समटाइम कि क्लाइंट बोलता है हैवीनेस मुझे फील हो रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि सिर्फ ओनली 15 मिनट में क्या होता है, हमारा ग्लू है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगी। अभी मैं लिप शेड यूज़ कर रही हूँ, वो है सिंगल। ये जो है मेरे पास लिप कलर बिंक मी का है, जो है लिप शेड बहुत अच्छा है ये। आप कभी भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि फाउंडेशन हम अब भी लगाते हैं, तो आप 2 शेड 3 शेड मिक्स करके लगाओगे तो आपका फ्लॉलेस होगा बेस, वैसे ही हमने लिप शेड भी 2 मिक्स करके लगाएंगे। जो मेरा दूसरा शेड है वो है रिकॉर्ड 19 नंबर, रिकॉर्ड का है 19 नंबर।
कौर पूजा जी जरूर देखेंगे। है विंक मी, ये वाला शेड है विंक मी का 11 नंबर, 11 नंबर है गाइस। मैम इमेजिक की पैलेट कितने की आती है? इमेजिक की जो ग्लिटर पैलेट है वो कॉस्टली नहीं है, वो बजट में होती है सबके। जी मुझे याद नहीं है कितने की ली थी मैंने, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया जिसका मुझे अभी मैंने परचेज किए हैं 1 ईयर से, वो मुझे सब ज़्यादा हैं। प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हैं सभी। जब भी आप लिप शेड यूज कर रहे हो तो आपने कभी भी सिंगल नेम यूज नहीं करना, आपने 3 और 4 कोटिंग करनी है, तभी आपके लिप्स उभर के आएंगे। मैम ने आपको अच्छे से टेक्निक बताई है, आई लैशेस की भी, लिप लाइनर की भी। दीदी मैं अपने ब्याह ते तुहाडे तो तैयार होई सी जी। दवीप किलो थैंक यू। गाइस कैसा लगा आपको मेकअप लास्ट फाइनल में, जल्दी से बताएं। आई पैलेट सुनाम तो कितना बढ़िया मिलती है? सुनाम दे विच आई पैलेट सॉरी मुझे नहीं पता, बट मैं सुनाम तो नहीं कुछ भी दिया था। स्टार्टिंग दे विच दस्या तुहानू भी कित्थों मिलदे आ, प्लीज आप फॉलो करो और देखो फुल वीडियो मेरी। मैम लिपस्टिक ब्रश से ही लगानी है निधि शुक्ला जी? हमने जब हाइजीनिक रखने हैं प्रोडक्ट तो हम कोशिश करें कि हम लिप ब्रश से ही यूज करें, ताकि जो हम दूसरे ब्रश लिप्स पे हम यूज करते हैं क्लाइंट पे तो कंटिन्यू करते रहते हैं, तो इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश से ही यूज़ करें। कलर बार का काजल सुनाम तो मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा कलर बार का, अर्जुन की हट्टी है यहाँ पे, वहाँ से मिल जाएगा आपको। कलर बार का काजल आपको सुनाम से मिल जाएगा। अब जो मैंने इमेज की पैलेट यूज की थी ग्लिटर पैलेट, मेन मार्केट में ही है अर्जुन की शॉप। मैम थैंक यू जॉर्जियस, थैंक यू।
का यूट्यूब चैनल है, एम्बिया सैलून सुनाम के नाम से है मैम का यूट्यूब चैनल। हाँ जी कोर बी सिक्स जैन जी, हम समझ गए, हम जरूर सुनेंगे, जो भी सॉन्ग सेंड किया है उनको सुनेंगे और आपको बताएंगे। निधि शुक्ला जी, आप मैम की वीडियो शुरू से जरूर देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि मैम ने सबसे पहले फेस पे क्या लगाया था। अभी मैं ब्रो बॉन हाईलाइट कर रही हूँ, क्रोम पेंट टार्ट, जब भी आपने मस्कारा यूज़ करना है अपने लोअर लैश पे भी यूज़ करना है, ये नहीं कि हम ऊपर ही लगा देते हैं तो नीचे वाली हमें लुक नहीं मिलती। वो तो छोटी छोटी यही हमारी वो होती है प्रॉथ जो हम मिस कर देते हैं और हमारा मेकअप वो नहीं इन्हेंस नहीं होता और अच्छी लुक नहीं आती। अब मैं सॉरी लॉटस का लिक्विड ग्लीम आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर किसी ने डीप नॉलेज कलर व्हील की थ्योरी कुछ भी आता है तो ज्वाइन प्लीज, मेरी ऑनलाइन क्लास होगी, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। ग्लो एंड फेस गोरा करने के लिए क्या लगाएं? मैम आप मैम को डीएम करके पूछ सकते हैं ये मैसेज, देन डन। तो लास्ट में हम दोबारा मिक्सर यूज करेंगे। मेकअप गाइस डन है, आप देख सकते हैं हमारी ब्राइडल का मेकअप कैसा लगा आप सबको। जो मैंने नाम दिया था ग्लैम मेकअप, आपको लग रहा है वैसा ही? मैम ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग वगैरह सब बता देंगे, अभी टाइमिंग कुछ फाइनल नहीं है। मैम ने जून में बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस जून में होंगी, जून पे होगी, तो वो मैम आपको बता देंगे टाइमिंग वगैरह जो भी उसकी होगी। कैसी रही आज की लुक? और लास्ट में हम छोटी छोटी गलती क्या कर देते हैं, जो हमने आईब्रो डिफाइन की है उसको हम रीटच करेंगे ताकि उसकी अच्छी फिनिशिंग आए। ब्रश
टच करना है आईब्रो को। हाँ जी ट्विंकल मैम, वीडियो को सेव जरूर करेंगे। मेंशन ऑल प्रोडक्ट्स एंड मॉडल टू। ओके मैम, जूम पे हम सब आपको डीपली नॉलेज देंगे। आई होप के आज भी डीपली ही मिली होगी, जो आपका रह गया है तो ऑनलाइन क्लास में आपको सब मिल जाएगा। मॉडल मेरी अलग अलग आती है, वो चंडीगढ़ से भी हो सकती है, लुधियाना से, दिल्ली से, गाजियाबाद से। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो मेरी मॉडल का लहंगा है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप किया है, आपने भी वही कलर चूज करने हैं आई शेडो में। थैंक यू जिन जिन्होंने भी वीडियो को शेयर किया, थैंक यू सो मच गाइस। देती हूँ, बाद में हम हेयर स्टाइल बनाएंगे क्योंकि अभी टाइमिंग भी लॉकडाउन की कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि लैब सभी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। निधि मैम आपको बता देंगे हम बाद में कि हम जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं ऑनलाइन क्लास। थोड़ी सी अभी ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम आती है। जस्ट हम फाइनल लुक दिखाने के लिए हम आपको टेम्परेरी हेयर सेट कर रही हूँ। मैम बहुत अच्छा किया मेकअप आपने, थैंक यू। Thank you.
स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो लुक होगी वो हमारी पाकिस्तानी लुक होगी। जो मेरा स्टाफ है थोड़ा सा वो अभी हेयर स्टाइल मैं बाद में करूंगी क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू हो रहा है। परम मैम आई एम सो बिग फैन ऑफ यू माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कहीं भी कुछ छूट गया हो किसी के आंसर ना मिले हो तो प्लीज सॉरी। कैसी लगी गाइज आपको लास्ट फाइनल लुक? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कैसे लगा गाइज? थैंक यू सो मच सिद्धू जी, थैंक यू। अब जल्दी से जल्दी रेड रोज भेजें और हमें दी आज्ञा। लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, कहीं हम लॉकडाउन में अपना मेकअप भी ना करते रह जाएं। बिंदी होनेस्टली बताना कैसे लगा प्लीज। आपसे क्या होता है कि ना कई बार क्या होता है हमारे जो लाइव देख रहे हो एक दूसरे की वजह से ही बोल देते हैं अच्छा है, बट आप होनेस्टली बताना प्लीज कैसे लगा। आपने अच्छे से सीखा, सभी ने जो जो टेक्निक्स मैम ने बताई है वही फॉलो कीजिए आप भी। प्रैक्टिस करना के दिखा दो। हाँ जी जरूर, हाँ जी, क्योंकि अभी हेयर स्टाइल बाकी है, मॉडल हमारे पास लेट पहुंचे तो इसका हमें थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा, नहीं तो हम आपको फुल लुक दिखाते। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी मॉडल की फाइनल लुक। कैसा लगा सभी को गाइस? क्या करें हमारा फेस बड़ा है, कैमरा छोटा है। वाओ ऑसम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सोनिया। प्लीज अपना सर नीचे है जी, मेरी एकेडमी है डियर, जो सिमरन को ढूंढ रहा था उसने बैग निकाल लिया। एक को ने पूछा अभी
से मैंने यूज़ किए, करने कैसे करने हैं प्रोडक्ट वो बताए, कैसे आपने ग्लैमर मेकअप करना है। मैंने जो लुक दी है वो हमारी जो है पाकिस्तानी है, बट हमने जो मेकअप किया है वो ग्लैमर मेकअप है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन क्लास का भी बता देते होंगे। हाँ जी, मैं ऑनलाइन क्लास का आपको बताती हूँ अभी, जब भी होगी तो प्लीज़ ज्वाइन मी, ज्वाइन आप जितनी भी कहीं से भी नॉलेज कुछ भी ले रहे हो तो प्लीज़ उसकी टेक्निक फॉलो करो। जितनी अच्छी आप टेक्निक फॉलो करोगे, मेकअप प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आपको टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। जितना आपकी टेक्निक का 100% है, प्रोडक्ट का तो 50% रोल होता है। प्लीज वीडियो सेव करना जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम सेव। जिसका सोनिया मैम आपका मिस हो गया तो आप जरूर देखना स्टार्टिंग में। जूम हटा दीजिए, लो जी जूम हटा दिया। एक्चुअली ना जो मेरा स्टाफ है बहुत ज्यादा शर्मीला है, तो वो लाइव में आता है तो ब्यूटीफुल मेकअप मैम, थैंक यू। अभी प्रॉपर लुक देख लो आप। लहंगा हमारी मॉडल का, बैंगल्स, ज्वेलरी, मेकअप, हाइट्स मेकअप, सब पे कमेंट बताना हमें करके कि आप सबको सब कुछ कैसे लगा। ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल, आई आल्सो लाइक मेकअप, बहुत अच्छा मेकअप है मैम का, नेचर बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर नेचर बहुत अच्छा होता तो आप इस बार आप सेकेंड थर्ड टाइम भी जाओगे। तो सीरियसली मेकअप बहुत अच्छा है, पर्सनली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मॉडल हूँ तो उन्होंने बता दिया, ऐसा नहीं है, पर्सनली मेकअप बहुत अच्छा है। आई लाइक आई मेकअप, देखो आप बहुत देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, मेकअप बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत डिफरेंट वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच, फीलिंग ही आ रही है कि मैं ब्राइड हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मेकअप थैंक यू सो मच। ओके गाइस बाय, टेक केयर। चलो अभी मैं आपके 5 मिनट अपने ले रही हूँ। मॉडल को स्टैंड करके दिखाओ, दिखा दिया ज्योति मैम, ज्योति भाटिया जूम हटा दीजिए। ओके हटा दिया। तो गाइस कैसा लगा मेकअप, आई होप के सबको अच्छा लगा होगा, अच्छी टेक्निक कुछ न्यू मिला किसी को। वैसे तो ये सोचते हैं कि सबको एक जैसा ही मेकअप होता है, क्या है ये है तो, बट आपको कुछ न्यू मिला कि नहीं मिला, जिसको मिला वो हमें हैंडशेक करके बता दें, थम्स अप सॉरी। और अभी कोविड का बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लीज़ कि आप अपनी केयर करें, अपना मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह करते रहें, कि इसको आप लाइटली मत लो। थैंक यू निखिल सर, यस, क्योंकि ये अब सेकंड स्टेज आ चुकी है ना, तो अटैक करता है, बहुत बुरा हाल कर देता है। थैंक यू, बहुत सोना मैम, थैंक यू, गुड टू सी यू मैम, थैंक यू, थैंक यू कंचन यादव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीरियसली होनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने आप पे, और आप पे भी प्राउड फील हो रहा है, आप इतने अच्छे लोग हो, जो जिसने मुझे इतना टाइम दिया, इतने टाइम से आप मुझे लाइव फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन इंक्वायरी सबने की, इंटरेस्ट दिखाया, थैंक यू सो मच।
हाँ जी हाँ जी, वीडियो सेव रहेगा। कैंट मैम, थैंक यू, आपका मेकअप नाज सोमा जी, आपका मेकअप ऑसम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नाज जी। थैंक यू स्वीट जी, थैंक यू सो मच गाइज। जब अभी आप भी मेकअप करते हो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन। हम थैंक यू, आई एम बिग फैन फॉर ऑफ यू मैम, थैंक यू जी, स्पा के लिए चार्जेस हैं आपके। तो आप डीएम करें, डियर जी मेकअप का चल रहा है मैम, आप बहुत अच्छा, थैंक यू जी। रसू कम्बोज मैम, मैं कोविड की शिपिंग कर रही हूँ और कुछ मुझे रखने के लिए आपका क्लास देखती हूँ, थैंक यू। बहुत अच्छा कर रही हो सुमन जी, आप जितना अपनी केयर करोगे, प्रिकॉशन रखोगे, आप उतना ही आपका और अपनी आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे से सिखाया मैम, लव यू टू डियर, आप सबसे बेस्ट हो। अगर हम बेस्ट है तो नेक्स्ट जो हमारा अगला पर्सन हमें मिल रहा है वो भी अच्छा मिलेगा। अगर हम अगले में कोई कमी होती है तो पहले हमारे में भी कमी होती है। हम अच्छे तो सब अच्छे, बुरा नहीं कोई। प्लीज टेल मैम माई मॉम ऑलवेज कम टू योर सलून, यू नो देम वेरी वेल, फ्रॉम शेरों। ओके थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत सो मच, थैंक यू, लव यू टू सुखी जी, मैम यूर फैन, थैंक यू सो मच। काफ़ी की इंक्वायरी आई थी कि मैं लाइव सेल्फ मेकअप करूं, तो बहुत जल्द करने वाली हूं। मैं खुद भी मेकअप इतना ज़्यादा नहीं करके रखती, मेरे क्लाइंट हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं सबको पता है मैं सिंपल रहती हूं बिल्कुल, तो वही नेचर बन जाता है ऐसा। थैंक यू पवित्र मैम जी, थैंक यू सो मच। सारी वीडियो देखती हूँ इंस्टा पर भी। नाजरूम हुमा जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा युवराज ब्रो बहुत, हेलो मैम आई एम फ्रॉम गुजरात, हेलो थैंक यू सो मच, आप मुझे वॉचिंग कर रहे हो गुजरात से, थैंक यू अगेन। मैम आज मैंने आपके साथ करना था बट आज नहीं कर पाई, कल करके। हाँ जी, आपने जिसने भी मेकअप देखा, जिसने भी मुझे ज्वाइन किया है, प्लीज़ मेकअप करते रहना, प्रैक्टिस ही हमारी फिनिशिंग है। ये नहीं कि हमने उसका देख लिया इसका देख लिया, जितना टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस 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 जरूर सिखाऊंगी। नेक्स्ट जो मेरा लाइव डेमो होगा वो होगा यूनिवर्सल आईलाइनर, जो हमारे यूनिवर्सल आईलाइनर होते हैं ना, काफ़ी पता आईलाइनर सभी होते हैं बट किसी किसी का नाम रखा होता है, वो डिफरेंट होते हैं। योर नेचर वेरी गुड, थैंक यू सो मच उदय जी। मैम ओखा व्हाट्सएप नंबर है आपका, व्हाट्सएप नंबर माई मेकअप व्हाट्सएप नंबर है 9463511088। हेलो मैम आई एम फ्रॉम यूपी, हेलो खुशी खान जी, थैंक यू, आप मुझे इतनी दूर से वॉच कर रहे हो। अभी जो मैं लास्ट में ये बताऊंगी कि जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने 3 फ्रेंड को टैग किया, स्टोरी पे लगाया, मुझे फॉलो किया, और जिसका भी विनर होगा, पहले 5 विनर को बहुत अच्छे प्राइज़ मिलेंगे, आपको 2 अलग अलग वन पर्सन को प्राइज मिलेंगे। अगर जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग की FB पे और इंस्टा पे ज़्यादा से ज़्यादा टैग किया, मैम आपका वर्क बहुत बेस्ट है, आपका नंबर मिल सकता है क्यों नहीं, मेरा नंबर है आप नोट कर लो 9463511088। मैम मैंने
कभी प्रॉपर नहीं सीखा, बट लाइव देखती हूँ तो मैं पिक सेंड करूँगी मेकअप की। हाँ जी जरूर करना, तभी मुझे पता चलेगा कहाँ गलती है कहाँ नहीं। हाँ जी मैम और आप डियर, थैंक यू। हेलो मैम, अगर किसी ने भी कुछ भी पूछना हो तो हम एनी टाइम अवेलेबल, बट टाइमिंग हमारी होती है सुबह 8 बजे से इवनिंग 8 बजे तक। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि सुबह का टाइम भी फैमिली को देना होता है, काम करने होते हैं, तो इवनिंग टाइम भी हमने काम करने होते हैं। थैंक यू सोनिया मैम, यू आर सो स्वीट सोनिया। हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास सभी प्रोडक्ट होते हैं बट हमें यूजिंग नहीं पता। आज मैंने मेकअप किया, आपने परचेज कर लिया, सेकंड डे आपने किसी और का देखा वहीं पर, तो जो पहले लिया होता है सबसे वो छूट जाता है, कहाँ क्या यूज़ करना है। आपके पास प्रोडक्ट होंगे, आप उसके साथ ही यूज़ करो। अगर किसी को नहीं समझ आता तो प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू सो मच किटी जी। मैंने तो बहुत बार शेयर किया बट मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है निधि मैम। अभी जो भी हम, ऐसा नहीं कि हमने जिसको जानते हैं उसको ही हम विनरअप कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जिसका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा हम एनालाइज करेंगे इंस्टा को भी और एफबी को भी, तो जाके प्राइज अनाउंस होगा। और संडे एग्जैक्ट टाइमिंग है 4 बजे, 4 PM। मैं अच्छी हूँ के ललिता जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डेमो पे बहुत जल्द, मैं आपको अनाउंस करके बताऊंगी कब आना है लाइव। थैंक यू सो मच आज के लिए जिसने भी मुझे वॉच किया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइस। जी हाँ मैं डालूंगी अपने पर भी ट्यूटोरियल। बाय बाय गाइज़।